हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल साइन अपार्ट में स्वागत है। आज मैं क्रोचेट से एक थाल पोश बनाने जा रही हूँ, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हमें एक मैजिकल रिंग बना लेनी है। इसके अंदर हमें 12 सिंगल क्रोशे बना लेना है। अब हमें इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। हम 3 चेन्स बना लेंगे। अब हमें सेम हुक में एक डबल क्रोशे बना लेना है। इस राउंड में हमें हर स्टिचेस में दो दो करके डबल क्रोशे बना लेना है। फिर से नेक्स्ट वाले पे 2 डबल क्रोशे। हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। यहाँ पे हमें 3 चेन्स बना लेनी है। अब हमें इसके नेक्स्ट वाले हुक में 2 डबल क्रोशे बना लेना है। हमें इस राउंड में हर स्टिचेस में 3 डबल क्रोशे बनानी है। मैंने यहाँ पे 3 चेन्स बनाया, इस वजह से हमने इसको 1 डबल क्रोशे काउंट किया, फिर 1 चेन्स, फिर 2 डबल क्रोशे का गैप, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे। एक चेन, 2 डबल क्रोशे का गैप, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे। तो हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा दिख रहा है, तो मैं ऐसा करके पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैंने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन्स बना लेनी है। अब हमें हर स्टिचेस में एक एक करके डबल क्रोशे बना लेना है।
तो ऐसा करके मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ पे इसको स्टिप स्टिप से जोड़ देना है, फिर से थ्री चेन, हर स्टिचेस में फिर से हमें एक एक करके डबल क्रोशे बना लेना है। हमको इसे थोड़ा लूज बुनते जाना है ताकि अच्छे से फैले। तो मैं ऐसा करके पूरा कंप्लीट करके वापस आ रही हूँ। तो देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया। अब हमें इसको यहाँ पे स्लिप स्लिप से छोड़ देना है, एक नॉट लगा के हम इसको कट कर देंगे। अब हम दूसरा कलर लेंगे। यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे, थ्री चेन्स बना लेंगे, फिर डबल क्रोशे का गैप छोड़ना है। यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशे बना लेना है। थ्री डबल क्रोशे के गैप, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, फिर थ्री चेन्स, थ्री डबल क्रोशे का गैप, फिर यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशे। थ्री चेन्स, थ्री डबल क्रोशे का गैप, एक सिंगल क्रोशे। तो ऐसा करके मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी, पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने इसको बना लिया। अब हमें थ्री चेन्स बना लेनी है, बना के यहाँ पे सिंगल क्रोशे की मदद से इसको हम अटैच कर देंगे, चेन लगा के हम इसको कट कर देंगे। अब हमें फिर से दूसरा कलर लेना है। इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे, इस बार हमें फोर चेन्स बनानी है। ये जो हमने सिक्स डबल क्रोशे बनाया था तो हम इसको तीन तीन हाफ करेंगे, तो मतलब थ्री डबल क्रोशे के बाद यहाँ पे हमें सिक्स डबल क्रोशे बनानी है। फोर चेन्स यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे।
4 chains, फिर से 3 डबल क्रोशर के बाद यहाँ पे 6 डबल क्रोशर। यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। तो ऐसा करके मैं पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने लास्ट तक बना दिया, अब हमें इसको यहाँ पे अटैच कर देनी है। एक चेन बना के हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए हमारा छोटा सा खरगोश बनके एकदम से रेडी हो गया। ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया। आशा करते हैं आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी बनी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।